रीसेल वैल्यू अच्छी मिलती है आपको एज कम्पेयर टू पेट्रोल का। जो सीएनजी है सबसे चीप फ्यूल के अंदर काउंट होता है, तो सबसे सस्ता। अगर आप पेट्रोल डीजल किसी चीज की बात कर लें तो जो सीएनजी है भाई सबसे सस्ता पड़ता है आपको। तो भाई क्यों ऐसे रिस्क लेना, इसलिए सबसे बढ़िया यही है कि आप गाड़ी लेते ही, जब आप गाड़ी में सीएनजी लगाते ही अपने आरसी के ऊपर और अपने इंश्योरेंस पेपर्स के ऊपर उसको मेंशन जरूर कराएं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल ड्राइव विद लक्की में। मैं आपको दोस्त लक्की, उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत बढ़िया होंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो में हमारा टॉपिक रहेगा सिर्फ बेनिफिट ऑफ सीएनजी। दोस्तों सबसे पहले जो बेनिफिट है सीएनजी का, कि जो सीएनजी है ये आपकी इको फ्रेंडली गैस है। मतलब कि जो नुकसान जब पेट्रोल बर्न होता है ना या कोई डीजल बर्न होता है, तो जो उसके जो गैसेस निकलती हैं जो इन्वायरमेंट को बेकार करती हैं, जो ऑक्सीजन लेवल कम करती हैं और भी काफ़ी डेंजरस गैस होती है, उसको उसके कंपैरिजन में सीएनजी बहुत सेफ है। मतलब सीएनजी में कोई ऐसी जहरीली गैस नहीं है, ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, आपकी जेब पे भारी नहीं पड़ती। अगर दोस्तों अगर आपका मन है कि आप, अगर आपकी गाड़ी पेट्रोल लगा और आपका मन है बाहर घूम के आने का, तो आप 10 बार सोचोगे घूमने के लिए, क्योंकि भाई एवरेज ही नहीं है। आप मान के चलो अगर आपके पास कैब मारुति की भी गाड़ी है ना, तो 8 रुपये पर किलोमीटर का आपको एवरेज देते हैं, 8-10 रुपये का। मुझे पता ना सिटी में इतना ही मिलता है, सुपर मिलता ही नहीं है, तो 9-10-11 की एवरेज मिलती है। अभी इधर भी पूरा बम्पर जाम लगा पड़ा है, तो इस ट्रैफिक में भी यही होता है कि मतलब एवरेज मिलती नहीं। और एसी तो भाई गर्मी है, चलाना पड़ेगा। और अगर आपकी गाड़ी में सीएनजी लगी हुई है भाई, आंख बंद करके बंदा निकल लेता, आंख बंद करके, ये सोचना नहीं पड़ता। मतलब पैसों को लेके नहीं सोचना पड़ता, क्योंकि सीएनजी हाफ टू हाफ, मतलब 25% आपका पैसा लगता है। मतलब अगर मैंने लास्ट वीडियो बताया था कि अगर आपको 10,000 रुपये पर मंथ पैसे लगते हैं भाई, तो अगर आप सीएनजी लगवा लोगे ना दोस्तों, अगर आपको 10,000 रुपये पर मंथ का पेट्रोल का खर्चा है और अगर आप सीएनजी लगवा लेते हो, तो आपका खर्चा बनेगा तकरीबन 2500-2500 रुपये के आसपास का, उससे ऊपर नहीं जाने वाला। तो इतनी कॉस्ट कटिंग है। और जो सीएनजी लगेगी वो पैसा, आप अगर आपकी रनिंग अच्छी खासी है तो आप 5-6 महीने के अंदर वो पैसे को कवर कर लेंगे। दोस्तों कई लोगों के दिमाग में चीज़ और आती है कि भाई सीएनजी से क्या इंजन में दिक्कत आती है। भाई बिल्कुल दिक्कत नहीं आती, बस आपने एक चीज़ का ध्यान रखना है, मॉर्निंग के टाइम में जब भी आप गाड़ी अपनी स्टार्ट करो पेट्रोल पे करो, और कम से कम 4 किलोमीटर की रनिंग आप पेट्रोल पे करना, उसमें सीएनजी मत चलाना। और जब 4 या 5 किलोमीटर आपकी रनिंग हो जाए, देन आप सीएनजी में कन्वर्ट कर लो। फिर दिन में जाए आप 100 किलोमीटर चलाओ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और आपने फिर क्या करना है, शाम के टाइम पे दोबारा जब आप घर पहुंचने वाले हैं, उस समय अगेन आपने पेट्रोल में कन्वर्ट कर देना है सीएनजी को। तो उससे क्या रहेगा, जो आपका इंजन रहेगा ना उसमें दिक्कत नहीं आएगी कभी भी सीएनजी का। कि लोग कहते हैं कि सबसे बढ़िया कंपनी कौन सी है सीएनजी की, दोस्तों सारी कंपनियां बढ़िया है अपने आप में, मगर जो अगर आपने सीएनजी लगवानी है ना, देखो दुकानदार के पास जाओगे उसके पास तो 50 ऑप्शन होते हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा मार्जिन होगा वो जी अपने चक्कर में रहेगा आपको। इसलिए भाई बेवकूफ़ी मत करना, जिसने सीएनजी लगाई हो और जिसको सीएनजी यूज करते हुए साल भर हो गया हो, 6 महीने हो गए हो, उससे एक बार राय जरूर लेना कि भाई आपके सीएनजी किट के अंदर कोई दिक्कत तो नहीं आई, क्योंकि वो आपको अच्छा एक्सप्लेन कर सकता है। और आज के डेट में सारे सिक्वेंशियल किट ही चलती है, तो ऐसा कोई दिक्कत आती नहीं भाई। मेरे को तकरीबन 2.5 साल से ऊपर हो चुके हैं सीएनजी लगाए हुए, आज तक पलट के मैं उस दुकान में कभी नहीं गया। पलट के एक बार ही गया था जब मेरी सीएनजी लगी थी, उसने नेक्स्ट डे मुझे बुलाया था ट्यूनिंग के लिए, भैया को ट्यूनिंग करने के लिए आ जाना आप चला लो, क्योंकि मेरी पिकअप नहीं बन रही थी। और उन्होंने रात का टाइम भी हो गया था, उन्होंने बोला भैया आप कल मॉर्निंग में अगर आ जाना, इसमें टाइम लगेगा, इसकी जो भी स्कैनिंग वगैरह करेंगे वो देने। भाई साहब आज के दिन 2.5 साल हो गए, टचवुड, वो मतलब मुझे कोई दिक्कत नहीं पड़ी, मुझे कोई जरूरत नहीं पड़ी दोबारा शॉप में जाने की। का जो सीएनजी है सबसे चीप फ्यूल के अंदर काउंट होता है, सबसे सस्ता। अगर आप पेट्रोल डीजल किसी चीज़ की बात कर लें, तो जो सीएनजी है भाई सबसे सस्ता पड़ता है आपको। और एक नॉर्मल इंसान के लिए भैया सबसे इकोनॉमिकल चीज़ यही है। और दोस्तों अगर आपकी रनिंग ये मान के चलो कि 85 किलोमीटर की डेली की है ना, तो दोस्तों अगर आपकी 50 किलोमीटर पर डे की रनिंग है, 50 से 60 किलोमीटर की, तो एवरेज आप मान के चलो कि आप 8-9 महीने के अंदर अंदर में अपने पैसे वसूल कर लोगे। जो आप 35-40 हज़ार रुपये अपने सीएनजी में लगाओगे ना, वो जो इन्वेस्टमेंट है 40,000 रुपये की, वो आपकी 8-9 महीने के अंदर अंदर में कवर हो जाएगी, बिल्कुल कवर। और हो सकता है कि जल्दी भी हो जाए अगर आपकी रनिंग ज़्यादा है तो क्योंकि दोस्तों इससे सस्ता तो कोई पड़ता ही नहीं। मतलब मेट्रो सिटी में सबसे बड़ी बात क्या है, सीएनजी स्टेशन हर जगह पर है। पेट्रोल पंप वाले हैं वो पेट्रोल भी देते हैं, डीजल भी देते हैं और सीएनजी भी देते हैं।
तो उससे क्या होगा, तो जो लाइन लगती थी ना वो थोड़ी सी बट गई है, मगर देखो टाइम तो लगता ही है। अभी भी मैं आपको बताऊं कई जगह बहुत ज्यादा दिक्कतें आती हैं। लास्ट वीडियो में मैंने क्लिप दिखाई थी कि मतलब भाई पौना पौना घंटा लग जाता है। तो सीएनजी लगाने के बाद आपको थोड़ा बहुत ही ध्यान देना होता है। आज की वीडियो में केवल उसको बेनिफिट बताने वाला हूं। अगर आप चैनल पर नए हैं ना तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और बगल जो बेल आइकन है ना उसको जरूर दबा देना। उससे उसका फायदा ये होगा, एक तो भाई पैसे आपके लगेंगे नहीं, दूसरा फायदा ये होगा कि जब भी मेरी कोई नई वीडियो आएगी कार में सीएनजी से रिलेटेड या कार से रिलेटेड कोई भी वीडियो आएगी, सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन आएगा, आपके पास टाइम हो तो आप वीडियो देख सकते हैं। दोस्तों वही अगर मैं बात करूं कि अगर आप सीएनजी लगवाते हैं, आपने नई गाड़ी ली ठीक है, कंपनी फिटेड है तो कोई दिक्कत नहीं है, मगर अगर आपने आफ्टर मार्केट लगाई तो आपने बस इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आप जो बंदा गाड़ी लेता है 6 से 7 साल तो रखता है, 8-8 साल 10-10 साल भी लोग रखते हैं। तो अगर कोई बंदा 10 साल गाड़ी सीएनजी में चलाता है ना, आप ये मान के चलो वो उल्टा पैसे बचा रहा होता है, क्योंकि आज की डेट में पेट्रोल जो है भाई 100 के पार पहुंचा हुआ है। अब इस कंडीशन में क्या होगा कि जो बंदा पेट्रोल डीजल के वाला बंदा है, डीजल वाले को तो सिर्फ 10 साल की रनिंग मिलेगी दिल्ली के अंदर, तो उससे ऊपर अथॉरिटी नहीं है, गाड़ी बंद है। अब क्या, जो पेट्रोल वाले को 5 साल फालतू मिलते हैं, कल को गाड़ी सेल करनी हो उसमें बेनिफिट होता है, तो लोग सीएनजी गाड़ियां इसलिए यूज कर रहे हैं, एक तो इको फ्रेंडली, दूसरा जेब में कोई भारी नहीं पड़ती, सबसे बड़ी बात बहुत सस्ती पड़ती है भाई। तीसरा, अगर आपने 8 से 10 साल भी गाड़ी रख ली ना, आप ये मान के चलो कि आपने 2 से 2.5 लाख रुपए बचा लिए। भाई साहब ये बचा लिए वर्ड इसलिए है कि ये आपकी सेविंग है, और हो सकता है कि ये सेविंग आपकी नेक्स्ट कार में काम आ जाए। दोस्तों अगर मैं सीएनजी कार्स के अगले बढ़िया बात बताऊं आपको, तो वो इसका माइलेज में फर्क। तो अगर आपकी गाड़ी आपको 15 की माइलेज दे रही है सिटी के अंदर ठीक है, तो अगर आप वही चीज सीएनजी में रन करेंगे ना, तो आपको वही जो माइलेज है वो तकरीबन 23 से 24 हो जाएगा। तो ये फैक्ट है, और उसमें देखो चीप तो आपको पड़ा, आपको एक तो फ्यूल सस्ता पड़ा, दूसरा आपको माइलेज बढ़िया मिल गई, तो उसमें तो आपको बहुत बेनिफिट है ना, तो ये भी एक प्लस पॉइंट है। इसलिए लोग सीएनजी के ऊपर ज्यादा जाते हैं कि आपको माइलेज ऑलमोस्ट डबल तो नहीं, डबल के अप्रोक्स मिल ही जाती है। तो एक बात का ध्यान रखिएगा कि अगर आपकी गाड़ी नहीं है तो आपने आफ्टर मार्केट सीएनजी वो अगर लगाने, तो आपने रिस्क पे लगाएंगे, क्योंकि जो वारंटी होती है कंपनी की वो वॉइड हो जाती है। जैसे मैंने लगाया था, मुझे मालूम था, बट मैंने फिर भी अपना इसमें 1 साल के बाद लगाया, और जो मेरी कंपनी की तरफ से जो इलेक्ट्रिकल पार्ट्स हैं उसकी तरफ से मेरे को वारंटी उनकी तरफ से खत्म हो चुकी थी, क्योंकि जब सीएनजी लगाते हैं तो उस समय उसकी वायरिंग को काटते हैं, छीलते हैं, कपलर भी लगाते हैं, बट वो कंपनी उसको एक्सेप्ट नहीं करती है। तो इस चीज़ का थोड़ा आपको ध्यान देना होगा कि या तो अपनी वारंटी या तो अपनी वारंटी खत्म होने के बाद लगाएं, या अपनी वारंटी से पहले अगर आप लगाते हैं तो फिर वो आप अपने रिस्क पर लगाएंगे सीएनजी। बहुत से लोग एक गलती करते हैं, वो क्या करते हैं, जब वो अपनी गाड़ी में सीएनजी लगाते हैं, आरसी में तो वो चढ़ा लेते हैं, बट जो आपके इंश्योरेंस के पेपर होते हैं उसके ऊपर नहीं चढ़ी भी होती। तो उस केस में आपने हमेशा ध्यान रखना है कि अगर जब भी आप अपनी सीएनजी लगवाएं गाड़ी के अंदर, इंश्योरेंस के अंदर उसको अपडेट जरूर करवाएं। अगर आपने वो चीज अपडेट नहीं कराई तो आपको बहुत तगड़ा नुकसान हो जाएगा, जिसके बारे में आप सोच नहीं सकते, क्योंकि कंपनी साफ बोलेगी भाई तुम्हारी गाड़ी के अंदर आरसी है और तुम्हारे पेपर्स में इंक्लूड नहीं है, तो अगर उससे रिलेटेड कोई नुकसान होगा तो वो आपको नहीं मिलेगा। तो भाई क्यों ऐसे रिस्क लेना। इसलिए सबसे बढ़िया यही है कि आप गाड़ी लेते ही, जब आप गाड़ी में सीएनजी लगाते ही, अपने आरसी के ऊपर और अपने इंश्योरेंस पेपर्स के ऊपर उसको मेंशन जरूर कराएं। सीएनजी कार्स में मेंटेनेंस तो कुछ है ही नहीं, बस आपने एक दूसरे को ध्यान देना होता है कि अगर आपकी सर्विस 10,000 किलोमीटर पे होनी है तो वो आपने 8.5-9,000 किलोमीटर पे 1,000-1,500-2,000 किलोमीटर पहले करवा देनी है आपने, 8, 8.5, 9 पे लास्ट आप उसको करवा दें, 10 तक एक्सटेंड ना करें। और ऐसे कोई स्पेशल नहीं है कि आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना है या आपको बार बार जहाँ से आपने सीएनजी लगवाई है बार बार जाना पड़ेगा, ऐसे कुछ भी नहीं है। और कोशिश बस एक ये करेंगे कि अगर आपने आफ्टर मार्केट सीएनजी लगाई है तो जो आपका बोनट वाला पार्ट होता है ना उसको कभी पानी ना मारे उस पर डायरेक्ट, क्योंकि सारी वायरिंग वगैरह जो होती है वो सब वहीं पर होती है। तो अगर आप उसमें पानी वगैरह मारेंगे तो कई बार होता है कि वो ट्रिप मारना शुरू हो जाएगा, जिससे दिक्कतें बढ़ती है। तो कोशिश ये करें कि हमेशा बोनट के अंदर वाले पार्ट को हमेशा आप ड्राई क्लीन करें, सूखे कपड़े से मारें या कपड़े को गीला करके उस पर हल्का सा क्रीम वगैरह लगा के ब्लैक वाली वो आप अप्लाई कर सकते हैं, बट आप उसमें डायरेक्ट पानी का प्रेशर बिल्कुल मत मारिएगा। और वहीं अगर हम इसके नेक्स्ट बेनिफिट की बात करें कि अगर आपकी कार में सीएनजी लगी हुई है और आपका मन है 5-7 साल यूज करने के बाद उसको बेचने का, तो दोस्तों ये बात गांठ बांध लेना कि रीसेल वैल्यू अच्छी मिलती है आपको एज कम्पेयर टू पेट्रोल। चाहे आप एक काम कीजिए, कई डीलर्स आपने देखे होंगे हमेशा यही कहते हैं कि भाई इस गाड़ी के अंदर सीएनजी लगी हुई है,
तो वो उसको एक अपना एक फीचर मानते हैं। देखो जो आपसे कार परचेज करेगा उसको तो बने बनाई गाड़ी के अंदर सीएनजी मिल गई, लगी लगाई और आरसी के अंदर मिल गई चढ़ी चढ़ाई, तो उसको और क्या चाहिए, उसको भी बेनिफिट हो गया और आपको बेनिफिट ये है कि आपको जो सीएनजी आपने जितना यूज करा वो आपने अपने दो पैसे बचाए बचाए अगले पिछले 5-7 सालों में, और आपने उसकी जो सेल करी तो वो भी आपको एक अच्छा रीसेल वैल्यू आपको आपकी कार का मिलेगा। दोस्तों कई लोगों के मन में रहता है कि भैया होंडा की अगर हम गाड़ी में लगाते हैं या i20 में सीएनजी लगवाते हैं गाड़ी के अंदर या मारुति में लगाते हैं तो फर्क पड़ता ही नहीं पड़ता, तो एवरेज का वाकई में फर्क पड़ता है। जो मारुति की गाड़ी है उनकी बिल्ड क्वालिटी हल्की है तो इसलिए उनकी जो एवरेज है वो बहुत बढ़िया होती है, और अगर आप वहाँ पे होंडा को देखें या आप होंडाई को देखें, आप होंडा की गाड़ियाँ देखें या कोई और ब्रांड में देखें जो होंडाई की रहती है, अगर आप i20 वगैरह में देखें तो उसमें आपको उतनी एवरेज नहीं मिलेगी, बट उसमें आपको गाड़ी में जो है सेफ्टी वाइज की बात, अगर हम सेफ्टी की बात करें सेफ्टी ज़्यादा बढ़िया मिलेगी। दोस्तों जो आज की वीडियो थी वो थी सीएनजी कार्स के बेनिफिट को लेके और आपने किन चीज़ों का ध्यान रखना है, और उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई हो। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और जो बगल में बेल आइकन है उसको भी दबा लीजिएगा, उसको दबाने से बेनिफिट होगा अगली बार जो मैं वीडियो पोस्ट करूंगा सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, अगर आपके मन में कोई सुझाव हो या कोई बात हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा, वहां पे मैं आपकी बातों का रिप्लाई जरूर दूंगा। दोस्तों वीडियो देखने के लिए शुक्रिया, थैंक्स फॉर वॉचिंग।